अच्छा, तो पॉइंट इज दिस, हम स्टार्ट करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक वर्ड तुम सबने सुना होगा, ऑर्गेनिक फेस वॉश, ऑर्गेनिक टी, ऑर्गेनिक दिस, ऑर्गेनिक दैट। तो ऑर्गेनिक शब्द का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक विदाउट केमिकल्स? नेचुरल। ऑर्गेनिक का मतलब हम, हाँ, हम नेचुरल विदाउट यूज ऑफ केमिकल्स ऐसा यूज करते हैं ऑर्गेनिक, है ना, ये होता है ऑर्गेनिक, राइट। तो पहले हमारा मानना था जो चीजें हमारी सिस्टम में मिलती हैं, प्लांट्स में, एनिमल्स में, माइक्रोब्स में, ये चीजें हम नहीं बना सकते। जो भी मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में मिलते हैं वो हम नहीं बना सकते लैब में, वो भगवान ने बनाई है। ये एक थ्योरी थी, इस थ्योरी को बोलते थे वाइटल फोर्स थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है, पहली बात हम लिखेंगे अर्लियर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नहीं, हाँ, नेक्स्ट पेज पे लिखना है, जो भी लिखवा रहा हूं वो टेबल वहीं पे रहेगा, सेकंड पेज। अर्लियर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉज थॉट टू बी स्टडी ऑफ, नहीं, अर्लियर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉज थॉट टू बी स्टडी ऑफ नेचुरल कंपाउंड्स फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल सिस्टम्स, फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल सिस्टम्स, और थॉट टू बी स्टडी ऑफ नेचुरल कंपाउंड्स फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल सिस्टम्स। इट वॉज थॉट या इट वॉज बिलीव्ड दैट वी कैन नॉट प्रिपेयर दीज कंपाउंड्स इन लैबोरेटरी। इट वॉज थॉट दैट वी कैन नॉट प्रिपेयर दीज कंपाउंड्स इन लैबोरेटरी। इट वॉज बिलीव्ड दैट वी कैन नॉट प्रोड्यूस दीज कंपाउंड। पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ नेचुरल कंपाउंड्स फाउंड इन प्लांट एंड लिविंग सिस्टम, यहां तक लिख लिया, प्लांट एंड एनिमल सिस्टम, ठीक है, नेचुरल कंपाउंड्स फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल सिस्टम, अर्लियर लिखा था इससे पहले, है ना। अब उसके बाद हमने बोला इट वॉज बिलीव्ड दैट वी कैन नॉट प्रिपेयर दीज कंपाउंड इन लैबोरेटरी। इट वॉज बिलीव दैट वी कैन नॉट प्रिपेयर दीज कंपाउंड इन लैबोरेटरी। पर क्या ये सच होगा या झूठ? ठीक है, दिस थ्योरी वॉज नोन एज वाइटल फोर्स थ्योरी। दिस थ्योरी वॉज नोन एज वाइटल फोर्स थ्योरी। दिस थ्योरी वॉज डिसप्रूव्ड बाय वोलर। दिस थ्योरी वॉज डिसप्रूव्ड बाय वोलर सिंथेसाइज। हेलो, तो हमने बहुत बार ट्राई किया पर नहीं बने, नहीं बने, नहीं बने, पर एक बार एक साइंटिस्ट से बन गए, तो वो था वोलर। तो वोलर सिंथेसाइज यूरिया। दिस थ्योरी वॉज डिसप्रूव्ड व्हेन वोलर सिंथेसाइज यूरिया। यूरिया हमें पता है कि हमारे किडनी में फिल्टर होता है नाइट्रोजनस कंपाउंड, तो ये ह्यूमन सिस्टम में, एनिमल सिस्टम में पाया जाता है यूरिया। एंड इट डिसप्रूव्ड विच थ्योरी? वाइटल फोर्स थ्योरी। तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन जो है खतरे में आ गई, क्योंकि हमने बोला था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो है जो नेचुरल कंपाउंड से है, तो दैट मीन्स अब आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है, तो कोई नेचुरल कंपाउंड है ही नहीं, इन सेंस की
हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन ही हिल गई। तो अब हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना तो शुरू कर दिया था, उस पर किताबें लिख दी थी, और हम नहीं चाहते कि तुम्हारा कोर्स खत्म हो, तो इसलिए हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खत्म नहीं किया, हमने कंटिन्यू रखी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन बदल दी। हमने ये देखा जो भी नेचुरल कंपाउंड्स थे उसके अंदर दो चीजें तो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, वो है एक कार्बन और एक है हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन, ये भी देखा गया है कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे से बॉन्ड होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जैसे इथेन, मीथेन, इन सबको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। इन्हें क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। तो लेटर ऑन डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉज चेंज्ड एंड इट इज नाउ, देखें नाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नोन एज, नाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नोन एज स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स, हाइड्रो, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। यानी ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने उन्हें बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, और उनके डेरिवेटिव का मतलब है जो उनसे डिराइव हो। फॉर एग्जाम्पल इनमें क्लोरीन, सल्फर, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लगा दो, सल्फर, नाइट्रोजन, ऐसी चीजें, या तो ये हो या इनसे बनी हुई चीजें, इन सबको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ऑफ नेचुरल कंपाउंड, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, एंड इट्स डेरिवेटिव्स। क्लियर है ये पॉइंट? अब हम उनको नेचुरल नहीं सिंथेटिक भी बना सकते हैं, ठीक है? तो ये बना लिए ये दोनों, हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव, तुम्हें तो बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा डेफिनेशन पढ़ते ही। जीनियस बैठे हैं सारे यहाँ। हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल बनाओ और उसके डेरिवेटिव का, वो तो तुझे तो समझ ही नहीं आया। देखो अभी नहीं आया समझ। जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये किसी कुछ भी लगा दे इनके ऊपर तो उन्हें डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है? तो अब पॉइंट इज दिस, तुम ये पढ़ के आयो टेंथ में कि कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट, है ना? कार्बन अपने साथ लिंकिंग करता है, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते थे? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। क्या बोलते हैं? याद है, सुना है ऐसा कुछ? हाँ, तो कैटिनेशन की वजह से कितने कार्बन के कंपाउंड्स बन सकते हैं? 70 समथिंग, बस 70 या इनफाइनाइट, कैसे भी जोड़ लो, ठीक है? कार्बन को जुड़ जाएगा क्योंकि कैटिनेशन है, है ना? तो पॉइंट, प्रॉब्लम ये है कि हम अगर कंपाउंड्स को नाम देने लग जाएं तो नाम खत्म हो जाएंगे, तो हमें उनको कुछ और तरीके से नाम देना है। तो इन अदर वर्ड्स, हमें उनका नामकरण करने के रूल्स बनाने हैं। तो वो रूल्स IUPAC बनाता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और इसको हम बोलेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर। पर उससे पहले लेट अस सी कि तुम आइडेंटिफाई कर पाते हो कि कौन से कंपाउंड ऑर्गेनिक है, कौन से इनऑर्गेनिक, ठीक है? तो बस मुझे ये बताओ, CO2 ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक? कौन कौन कह रहे ऑर्गेनिक, कौन कौन कह रहे इनऑर्गेनिक, बाकी सारे इनऑर्गेनिक? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन है इसमें इनऑर्गेनिक, डेरिवेटिव हो सकते हैं, पर ये तो उनसे डिराइव नहीं है, तो इसको हम इसमें बिल्कुल भी, CO2 तो वैसे भी एग्जिस्ट करती है नेचर में, पर लिविंग सिस्टम से भी नहीं आती थी, ये ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में थी। तो ये जो भी चीज़ें हमें मिनरल्स में मिलते हैं, जैसे कार्बोनेट्स एटसेट्रा, जो हमें पत्थरों में मिलते हैं, एटमॉस्फेयर में मिलता है, सारा इनऑर्गेनिक है। नाइट्रोजन गैस इनऑर्गेनिक, CO2 इनऑर्गेनिक, ये सारे O2 इनऑर्गेनिक, ठीक है? अच्छा, व्हाट अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड? अभी बद लिखाता हूँ, पहले ये देख रहे हैं, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं H2CO3 ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। कौन कौन कह रहे हैं ऑर्गेनिक, कौन कौन कह रहे हैं इनऑर्गेनिक? कुछ नहीं, कुछ तो बोल हार्पित। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक।
अच्छा ये है इनऑर्गेनिक, कार्बोनेट का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया था CO3 2- याद है, ये था ना कार्बोनेट, अभी किया चैप्टर 4 में। अब यहां पे H आ जाता है, यहां पे भी H आ जाता है, C और H का बॉन्ड आया क्या? नहीं, तो ये भी इनऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं बोलूं C2H5OH इथेनॉल ऑर्गेनिक, ठीक है C और H है और वो उसके अंदर जुड़ा हुआ है, डेरिवेटिव है, तो दिस इज ऑर्गेनिक। तो तुम थोड़ा सा मिसकंसेप्शन अपना दिमाग में रखेंगी, हम ये सोचते हैं कार्बन वाले सारे ऑर्गेनिक, वो भी गलत है, हाइड्रोजन कार्बन वाले सारे ऑर्गेनिक, वो भी गलत है, हाइड्रोकार्बन्स या उनसे बनी चीजें ऑर्गेनिक। क्लियर ये पॉइंट? तो ऑर्गेनिक बना लो या तुम तो दिमाग में याद रखोगे, जल्दी बनाए, बना लिया अर्पित? अगर ये तुम भूल जाओ क्यों ऑर्गेनिक, तो ये याद रखना, बना लेना इसको, है ना। तो IUPAC की फुल फॉर्म थी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, एक IUPAC का नाम देखते हैं, जो IUPAC ने नाम दिया, इसका नाम है फॉर एग्जाम्पल इस कंपाउंड का नाम है हमारा थ्री क्लोरो ब्यूटेन टू ओल, ये इस कंपाउंड का नाम है। ठीक है, इसके अंदर ये पार्ट कहलाता है प्रीफिक्स, क्या कहलाता है? नाम के पहले आने वाला प्रीफिक्स। ठीक है, अच्छा ये पार्ट ब्यूट कहलाता है वर्ड रूट, क्या कहलाता है? वर्ड रूट। ठीक है, अच्छा इसके बाद एन ये कहलाता है प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, नाम के पीछे वाला पहला पार्ट प्राइमरी सफिक्स, और लास्ट ये टू ओन कहलाता है सेकेंडरी सफिक्स। तो एक IUPAC नेम के कुछ पार्ट्स हैं, प्रीफिक्स वर्ड रूट से जुड़ता है, वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स से, और प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स से, ये सब चीजें जब मिलती हैं तो एक IUPAC का नेम बनता है। तो ये लिखो पहले प्रीफिक्स वर्ड रूट, प्रीफिक्स कहां से आता है, ये कहां से आते हैं, ये भी लिखना है, इसके नीचे मैं लिखवा रहा हूं, प्रीफिक्स आता है फ्रॉम लोकेंट्स, प्रीफिक्स आता है फ्रॉम लोकेंट्स, वर्ड रूट आता है फ्रॉम कार्बन चेन, प्राइमरी सफिक्स आता है फ्रॉम टाइप ऑफ बॉन्ड। ठीक है, और सेकेंडरी सफिक्स आता है फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप। ये आता है फ्रॉम फंक्शनल। ठीक है, तो ये पार्ट्स ऑफ IUPAC नेम। क्या चीज? लोकेंट सभी बताता हूं क्या है, नोट कर लें पूरा प्रॉपर, किससे क्या आता है ये भी लिख लें, लिख लिया आपने?
ये वाली होंगी, नहीं दीदी ये वाली होंगी, तू उनको बोल रही होगी ना, तू इनको बोल रही हो। नोट कर लिया सबने? हाँ नोटेड। और घर से ठीक है, फिर हम टेबल पे आते हैं। तो अब ये प्रीफिक्सेस क्या क्या हैं, कहाँ से आते हैं? फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम था वर्ड रूट, वर्ड रूट की विथ थोड़ी कम भी रख सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स की विथ भी कम रख सकते हैं, पर सबसे बड़ी विथ रहनी चाहिए सेकेंडरी सफिक्स कॉलम में। क्या? हाँ, एक प्रायोरिटी भी है छोटी सी यहाँ पे। प्रायोरिटी वैसे अभी छोड़ दो, वो बाद में हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो प्रीफिक्सेस की बात करते हैं। तो जो हमारे हैलोजन्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे हैलोजन्स हैं, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको बोलते हैं हैलोजन्स। अच्छा, इनके नाम हैं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। इन सबको मिला के हैलो भी बोल सकते, ठीक है। और एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारे हैं CH3, एक कार्बन हेलो, एक ग्रुप नहीं है, ये सारे अलग अलग हैं, पर इन सबको एक हाँ ग्रुप में डालते हैं, जिनको बोलते हैं हैलोजन्स या हेलो, ठीक है। ब्रोमो, ब्रोमीन, IODO, BR के साथ ब्रोमो, BROMO, ब्रोमो, और CH3 मिथाइल, CH3 CH2 इसे बोलते हैं इथाइल, CH3 CH2 CH2 इसे बोलते हैं प्रोपाइल, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, ये सारे ग्रुप्स हैं जिनको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप्स। क्या बोलते हैं? एल्काइल। और इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं आर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सिमिलरली कुछ और ग्रुप्स हैं, ओ CH3 को बोलते हैं मिथॉक्सी, ओ CH2 CH3 को उसी पैटर्न में चले तो क्या बोलेंगे? इथॉक्सी। ओ CH2 CH2 CH3 को उसी पैटर्न में चले तो क्या बोलेंगे? प्रोपॉक्सी।
मिथॉक्सी इथॉक्सी प्रोपॉक्सी वर्ड रूट वर्ड रूट एक कार्बन है दो कार्बन है तीन कार्बन है चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह कितने कार्बन की चेन है उसके बेसिस पे हम इनको वर्ड रूट देते हैं तो वर्ड रूट होती है मेथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक नॉन डेक अनडेक डोडेक ऐसे चलता है ठीक है ये कार्बन कितने लंबी चेन है उसके बेस पे हम नंबर्स देते हैं प्राइमरी सफिक्स तीन ही होते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए एन डबल बॉन्ड के लिए एन ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन एन एन आइन इसका अच्छा इसका एल्कोक्सी इनको बोलते हैं एल्कोक्सी और इनको रिप्रेजेंट करते हैं ओआर से एन इन आइन अगर दो डबल बॉन्ड हो गए तो डाइन अगर दो ट्रिपल बॉन्ड हो गए तो डाइन अगर सपोज तीन डबल बॉन्ड हो गए तो ट्राइन और तीन ट्रिपल बॉन्ड हो गए तो ट्राइन ऐसे चलेगा ठीक है सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप्स तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप जो तुम्हें याद रखना है वो है सी ओ ओ एच इसको हम सी ओ ओ एच बोल सकते हैं दोनों तरीके से लिखा होगा इसे हम बोलते हैं ओइक एसिड इसका सफिक्स है ओइक दूसरा है सी ओ एक्स और सिंपल लिखा हो सी ओ एक्स इसे हम बोल सकते हैं ऑयल हैलाइड ठीक है अच्छा सी ओ एन एच टू सिंपल इसको बोल सकते हैं हम अमाइल ठीक है वी हैव सी ओ एच इसको हम बोल सकते हैं अल सी डबल बॉन्ड इसको सी एच ओ भी लिखते हैं शॉर्ट में सी एच ओ तो हम इसे बोलते हैं अल ठीक है सी डबल बॉन्ड ओ और सी ओ इसे बोलते हैं ओन कीटोन कहीं पे डाउट है सी या ओ एच दैट इज ऑल एन एच टू तो लिखते हैं अमाइन ये सी ओ एक्स एक्स माने हैलोजन फ्लोरोक्लोरोब्रोमो इसका नाम है सेकेंडरी सफिक्स है ये सफिक्स है ओइक एसिड ऑयल हैलाइड अमाइड अल ओन और ऑल मीन ये सारे सेकेंडरी सफिक्स ये बनाए जल्दी से हाँ ऑयल हैलाइड ठीक है ये टेबल बनाना है ये टेबल लर्न करना है इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास भी 7 से 7:30 तुम्हारा कंटिन्यू रहेगा ठीक है।